फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, कई लोग मेरे को क्वेरीज पूछ रहे थे कि सर, मैंने स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग तो पढ़ लिया है, फिर भी जब मैं कहीं अप्लाई कर रहा हूँ तो कहीं पे भी मेरा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, कई लोगों ने बोला सर, मैं अप्लाई कहाँ पे करूँ? मीन्स उनको ये नहीं समझ आ रहा मुझे अप्लाई कहाँ पे करना है, कौन कौन सी कंपनीज़ में करूँ, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि कुछ लोग इंटरव्यू में जा रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आज इन तीनों क्वेश्चन का हम जवाब देंगे आपको। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। उसका मेन रीज़न होता है दोस्तों कि अगर हमने रिज्यूम बनाया है और वो रिज्यूम हमने उस अकॉर्डिंग नहीं बनाया जिस अकॉर्डिंग सामने वाले की जॉब डिस्क्रिप्शन है, मीन्स सामने वाले का रिक्वायरमेंट हमें समझना पड़ेगा कि उनका रिक्वायरमेंट क्या क्या है, और वो जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर हमारी सीवी नहीं बनेगी, अगर आपने एक कॉमन सीवी बना रखी है और वही सीवी हर जगह चिपका रहे हो, नहीं होगा शॉर्टलिस्ट। क्यों? क्योंकि हो सकता है कई लोगों को BBS निकालने की ज़रूरत हो। स्ट्रक्चर इंजीनियर में भी कई कैटेगरीज हैं, तो आपको देखना पड़ेगा उनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हर एक कंपनी के लिए पर्टिकुलर आपको रिज्यूमे सेट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि 5 से 6 कंपनी में अप्लाई करने के बाद सिलेक्शन हो जाए तो, शॉर्टलिस्टिंग का सिलेक्शन करने, ठीक है। दूसरी चीज़, कई लोगों ने बोला सर, मैं अप्लाई कहाँ पर करूँ? अप्लाई, यार इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, आपको ही पता है कि इंडस्ट्री एकदम से नीचे जा रही है, गवर्नमेंट कभी आपने देख ही लिया है, और GDP जो है वो बहुत गिर रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि फ्लैट्स वगैरह बिक नहीं रहे हैं, बिल्डिंग्स एकदम बनी की बनी है और कोई भी एक दो फ्लैट्स छोड़ के पूरा का पूरा बिल्डिंग ऐसे खाली है। तो जब बिल्डिंग सेल नहीं होगी तो ऑफकोर्स यार आपको पता है कि हम कहाँ से काम कर पाएंगे उस पर ज़्यादा। तो इंडिया के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, इंडिया का जो मार्केट अभी बन चुका है दोस्तों, उस मार्केट में प्रॉब्लम यही है कि अभी ओपनिंग्स कम हो चुकी हैं कहीं पे भी अगर देखो आप। तो ये बात सच है, आप भी मानोगे, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका काम रुक जाएगा, आपको जॉब नहीं मिलेगा। आपको जॉब मिल सकता है, बट हाँ, वो पैकेज नहीं मिलेगा जो पैकेज मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनको पता है कि मेरे पास काम नहीं है, कोई ना कोई तो आके करेगा ही करेगा, तो आपका भी जो पैकेज का रेट है वो कम है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना तो आप ये बोल सकते हो यार कि सर, एज पर कंपनी इंडस्ट्री बोल दो, तो आपको अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग अगर वो दे पाएंगे तो दे देंगे। अगर आप इस समय बोलोगे कि नहीं मुझे इतना चाहिए, या 20 चाहिए, 25 चाहिए, 30 चाहिए, तो इस समय उनके लिए भी मुश्किल है क्योंकि उनके पास खुद ही प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है। तो आपको हायर नहीं करेंगे, वो उसको हायर करेंगे जो पैसे की डिमांड ना करे या कोई इंटर्नशिप पे तैयार हो जाए, ऐसे भी तैयार हो रहे हैं, आपको ही पता है। तो कोशिश करो यार कि इसमें बोलो कि ठीक है, मुझे ऐसे पैसे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब फ्री में नहीं काम करना है, काम करना है बट कम पैसे में काम करना है। तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि सर, एज़ पर इंडस्ट्री का वैसे भी स्टैंडर्ड्स में पैसे के लिए तो कम हो चुका है। दूसरी चीज़, कहाँ अप्लाई करें यार? इसके लिए तो गूगल बाबा बहुत अच्छा है, ठीक है। गूगल पर आप देख लो कि कौन कौन सी कंपनी का, यहाँ पर आप सर्च कर लो कि पुणे में कौन कौन सी कंपनी है, मुंबई में कौन कौन सी कंपनी है, दिल्ली में कौन कौन सी कंपनी है, आपके नियर बाई कंपनी की लिस्ट ही लिस्ट आ जाएगा, तो उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कहाँ पे अप्लाई करें। उसमें मिड लेवल कंपनी डालोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, MNC डालोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। या तो अगर डाल रहे हो तो MNC, तो आप सीधा वो कंपनी डालो जो कंपनी सीधा आउटसोर्सिंग करती है, मीन्स बाहर के प्रोजेक्ट्स, US के, UK के प्रोजेक्ट्स करती है। उनके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि दोस्तों, उनका पैकेज बड़ा अच्छा रहता है। क्यों पैकेज अच्छा रहता है? क्योंकि वो वहाँ के अकॉर्डिंग डॉलर में पैसे ले रहे हैं और वो पैसे लेके यहाँ पे आपको दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको तो कमी दे रहे हैं, फिर भी वो ज़्यादा रखता है। मैंने देखा कई ढेर सारी US UK वेस्ट कंपनियाँ फ्रेशर्स को 3.6 देती हैं, लेकिन ऐसी सारी कंपनियाँ नहीं हैं। मैंने देखा यहाँ पे एक वी कंस्ट्रक्ट है मगरपट्टा, लाइक पुणे में, वो देती है 3.6, 4.2 मिनिमम। क्यों? क्योंकि वो फॉरेन के प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो दे सकती हैं। धार दे रही है, धार बहुत अच्छा पैसे पैकेज दे रही है। तो ऐसी कुछ कंपनियाँ हैं, तो नेट पे आप सर्च करिए कि कौन कौन सी कंपनी है इस तरीके से, और उनको अप्लाई कर दीजिए। बट अप्लाई करते टाइम जो मैंने बोला, ये ध्यान रखिएगा कि हम जो भी कर रहे हैं अप्लाई, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारी CV सेट है क्या? क्योंकि सामने वाले को तो अपने काम से मतलब है ना यार, आपको क्या आता है? डजेंट मैटर, मैटर कि उनका जो काम है वो तुमको आता है क्या? पहले तो वो काम सीखना पड़ेगा अगर नहीं आ रहा है तो, और काम अगर सीख लिया है तो वहाँ पर रिज्यूमे डालो और पक्का शॉर्टलिस्ट होता है अगर आपकी रिक्वायरमेंट है। तीसरा क्वेश्चन था कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिलेक्शन न होने का मेन रीज़न क्या है दोस्तों? अभी मेरे को भी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, कई कंपनियों ने मुझे बोला था कि मुझे कुछ ऐसे लड़के चाहिए जो रेविट पे खूब अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है, और स्टैटप्रो पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। तो मैंने कई लोगों को भेजा भी, लगभग 10 से 12 लोगों को भेजा, उसमें से शायद 1 या 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, क्यों नहीं हुआ बाकी लोगों का सिलेक्शन? क्योंकि उनको रेविट फैमिली पे पर्टिकुलर बंदा चाहिए। अब ध्यान रखो, उनको रैबिट
पूरा रैबिट नहीं चाहिए, रैबिट फैमिली चाहिए, मतलब समझ जाओ कि एक छोटा सा टॉपिक चाहिए, उस टॉपिक पर उनको कितना परफेक्शन चाहिए, इतना ज़्यादा कि जितना परफेक्शन किसी के पास हो ही ना। तो जब इतना परफेक्शन की ज़रूरत है दोस्तों, तो फिर ऑफकोर्स उनको पता है कि हमको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो एक बार मैं कोई कंपोनेंट बोलूँ, मैंने बोला फाइल फाउंडेशन का सेक्शन काट के दिखाओ, फटाफट दो मिनट में ड्रॉ करके सेक्शन काट के दिखा दिया। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब आपका एक्सपर्ट लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होगा। कई लोगों को मैंने देखा है कि मैं बोलता हूँ उनको कि बीम का रेनफोर्समेंट निकाल के दिखाओ, ऑटो कैड पे लोग दिखा नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्लानिंग करना सीखा है, बीम का रेनफोर्समेंट दिखाना सीखा ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है, कुछ लोग तो कर लेते हैं बीम का रेनफोर्समेंट, फिर जब मैं उनको बोलता हूँ कि इसमें क्रैंक क्यों लगाते हो, क्रैंक बार क्यों लगाते हो, सर क्रैंक पता ही नहीं उनको कि क्रैंक बार जो है वो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट करने के लिए होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है। आपको लगता है मैंने डिग्री कंप्लीट कर ली है, कुछ लोगों को लगता है मैंने थोड़ा बहुत नॉलेज ले लिया है तो इससे सिलेक्शन मुझे हो जाना चाहिए। नहीं यार, ऐसा नहीं है। अभी जो बहुत से टैलेंट हैं, पता है आपको, इतने अच्छे अच्छे मैंने लोगों को देखा है कि ऑलरेडी घूम रहे हैं। तो अगर वो पहले सेलेक्ट होंगे या पहले आप, पहले अगर आपको सेलेक्ट होना है तो कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको फिट होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा एक बार में सिलेक्शन हो, उस कंपनी के सर्विसेज पर जाओ और सर्विसेज पर जा देखो कि वो कंपनी किस किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करती है। अगर वो कर रही है बीएस कोड, मतलब ब्रिटिश कोड के अकॉर्डिंग काम कर रही है, मतलब आप समझ जाओ कि अगर आपको जाना है तो आपको पहले ब्रिटिश कोड पे परफेक्ट होना पड़ेगा। अगर वो कंपनी आईएस 800 या स्टील स्ट्रक्चर पे आप देख लिए कि काम कर रही है, भाई वो बहुत ही डीप में आपसे आईएस 800 पूछने वाली है। क्यों? क्योंकि बिना आईएस 800 के आप स्टील का कोई भी मेंबर डिज़ाइन ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसे हमको देखना है कि उनके सर्विसेज क्या है। वेबसाइट तो आजकल सबकी मिल जाती है आपको इजीली, और सर्विसेज में उन्होंने प्रोजेक्ट अब तक में कौन कौन से किए हैं। अगर उन्होंने बिल्डिंग का किया है और कंक्रीट बिल्डिंग है तो आपको साफ समझ जाइए कि IS 456 और 875 और IS 1893 एकदम, मुझे इसके बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही साथ अभी हर कोई क्या प्रीफर कर रहा है, क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर तो आ रहा है बट सॉफ्टवेयर का परफेक्शन क्रॉस चेक नहीं कर पा रहे हैं लोग। कई लोगों को मैंने देखा कि वो कंपनी में सॉफ्टवेयर से ले लेते हैं, मींस सॉफ्टवेयर से डिजाइन कर लेते हैं, चाहे ईटीआई हो चाहे स्टैट प्रो, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं, मींस कंपनी क्या सोच रही है, अगर इस बंदे को ये पता हो कि किस तरीके से हम मैनुअल से क्रॉस चेक कर सकते हैं, उस बंदे को ज़्यादा प्रिफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कंपनी में आजकल मैनुअल करने वाले बहुत कम हो गए हैं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कहीं से थोड़ा वो सॉफ्टवेयर सीखा और जाके वो लग जाते हैं कंपनी में, अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप क्रॉस चेक नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि हमने कितनी परफेक्शन के साथ किया है। ठीक है, परसेंटेज आप स्टील अगर 1% आ रहा है तो क्या इससे कम हो सकता है क्या, या इससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है क्या, कैसे पता करोगे? आपको क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा ना एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि मैं मैनुअल पे भी परफेक्ट हूँ और उससे भी परफेक्ट हूँ। यार ये दोनों चीज़ अगर मिल गई आपकी कि मैनुअल और सॉफ्टवेयर पर परफेक्ट हो और सामने वाली की जो रिक्वायरमेंट उसे मैच कर रहा है, कौन नहीं करेगा सेलेक्ट बताइए। सिर्फ उसके बाद किस जगह पर रुकती है सिलेक्शन की जो आपका ग्रेड है, वो है मेन। तो कभी कभी आपका जैसे कि फॉरेन क्लाइंट है तो दे वॉन्ट कि इफ़ यू आर गुड इन इंग्लिश, तो उनके लिए ईजी होता है, तो आपको सर्च करेंगे कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है कि नहीं। अगर उनका काम जो है वो टेक्निकल वेस्ट ज़्यादा है, मीन सोचने वाला ज़्यादा है, तो वो एप्टीट्यूड का टेस्ट लेंगे आपसे। किसका टेस्ट लेंगे? एप्टीट्यूड का टेस्ट। क्यों? वो क्रॉस चेक करेंगे कि आपके माइंड में थोड़ी बहुत स्कैनिंग हो सकती है, कैसा सर्चिंग पावर है आपका, एनालिटिकल पावर कैसा है, हो सकता है टेक्निकल एप्टी हो सकता है आपका जो अर्थमेटिक एप्टी होता है ये हो सकता है, मतलब लेकिन लेंगे एप्टी का टेस्ट लेंगे। उसे उन्होंने क्रॉस चेक कर लेना है कि आपको कितना समझ में आता है कितना नहीं, और इतना कर देंगे यार तो पक्का है सिलेक्शन हो ही जाता है। और अगर आपको लगता है कि आप किसी स्किल्स में गुड हो, मतलब कि आप इतने अच्छे हो कि शायद कोई और नहीं है, या अच्छे लेवल का आपको आता है, मैं भी कल एक इंटरव्यू ले रहा था तो मैंने सामने वाले से पूछा कि मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप ही एक्सपीरियंस ले सको कि हाउ मच यू रेट योरसेल्फ। उसके पास जो टेक्निकल स्किल था वो था ऑटोकैड, रैबिट और स्टैट प्रो, ई टैप्स। तो मैंने बोला हाउ मच यू रेट योरसेल्फ इन ऑटोकैड, तो सी सेड 10 out of 8। ओके, आई सेड ओके। फिर अगेन आई आस्क लाइक हाउ मच यू रेट योरसेल्फ इन ई टैप्स, सी सेड 10 out of 9। अब देखो मेरे तुरंत माइंड का लेवल हो गया कि यार इसको तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसका मतलब 10 out of 9 रेटिंग कर रही है, मतलब इसको इतना आना चाहिए कि हम कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे ई टैप में पूछ बता देगी। मैंने पहला क्वेश्चन पूछ के चेक किया कि कितना इसको समझ में आता है। मैंने बोला व्हाट इज़ द फाइल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट मींस जैसे PPT का, पावर पॉइंट का क्या होता है .PPT, वैसे ई टैप्स का फाइल फॉर्मेट क्या होता है। वहीं पर वो बंदी चुप हो गई। मुझे ये समझ में आ गया कि इसको
सिर्फ जो टूल्स थे उसके बारे में थोड़ा बहुत जो भी पता है पता है, इसके अंदर डीप नॉलेज नहीं है इससे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। आपको पता होना चाहिए फाइल फॉर्मेट ई टाइप्स का क्या होता है, डॉट ई डी बी होता है, ठीक है। फिर मैंने तुरंत पूछा दूसरा क्वेश्चन, देखो बहुत अभी मैं अंदर नहीं जा रहा सॉफ्टवेयर के, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई टाइप्स, फुल फॉर्म ऑफ ई टाइप्स। अब वो यहाँ पे थोड़ा सा चक्र आ गई कि फुल फॉर्म तो मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने तो सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखा कि स्प्लिट कैसे करेंगे, बीम को लोड कैसे लगाएंगे। एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशनल एनालिसिस बिल्डिंग सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म होता है, वो भी उसने नहीं बताया। तीसरा क्वेश्चन मैंने उससे पूछा, व्हाट इज द यूज ऑफ मास सोर्स। अब जितने लोग यहाँ पे ईटीएफ जानते होंगे उनको पता होगा कि स्केल फैक्टर प्रोवाइड करते हैं सेस्मिक में, मास सोर्स में, वो भी उसको नहीं पता था। अब ये समझ जाइए कि अब सामने वाले ने 10 out of 9 अपने आप को रेट कर लिया है, और अब क्वेश्चन किस लेवल का है ये है। अब इसके अंदर जो मैं गया वो तो बुरा हाल था, तो वो मैं नहीं डिस्कस कर रहा, लेकिन आप समझिए कि हम अगर 10 out of 9 रेटिंग कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर के लिए, किसी सब्जेक्ट के लिए, इसका मतलब 10 out of 9 आना भी चाहिए। तो दोस्तों ये थे आपके 3 क्वेश्चन जो मैंने आपके क्लियर किए, होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। किसी को लगता है कि मेरे पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं तो नीचे कमेंट करना, और मेरा ईमेल आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप मुझे रिज्यूम भेज देना। अगर आपका कुछ भी ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप नीचे, हाँ जब अप्लाई करो तो नीचे कवर लेटर जरूर लगाओ यार। आप सीधे रिज्यूम भेज देते हो, और सीधे रिज्यूम भेजने से सामने वाला डाउनलोड नहीं करता रिज्यूम, क्यों, उसको क्या ज़रूरत है तुम्हारे रिज्यूम की, जब तक तुम इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। तो इंटरेस्ट कैसे दिखाओगे, कवर लेटर के साथ, ठीक है। तो कवर लेटर में मेंशन करो कि आई हैव दिस टेक्निकल स्किल्स, आई डन माय दिस डिग्री, एंड लाइक आई डन दिस टेक्निकल स्किल्स, आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ दिस आईएएस कोड, दिस ब्रिटिश कोड, दिस अमेरिकन कोड, कुछ भी जो भी आपके पास टैलेंट है उसका कवर लेटर जरूर बनाओ, उसके बाद रिज्यूम भेजना। अगर कुछ स्किल्स होगा आपके पास तो मैं जो भी हेल्प कर पाऊंगा डेफिनेटली मैं आपको कॉल करके या किसी भी तरीके से। प्लस अगर कोई किसी को लग रहा है मेरा सिलेक्शन सर हो ही नहीं रहा है, प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना, मैं आपको पर्सनल कॉल करके समझा दूंगा कि क्यों नहीं हो रहा है, और अगर मेरे साथ रहा कुछ तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।